से आप सभी लोग, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर आपके 30 डेज रिवीजन कोर्स सीरीज में वेलकम करती हूँ। तो खंड शिक्षा अधिकारी 2020 BEO का UPG के स्पेशल की सीरीज़ हम लोग कर रहे थे, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इसके आगे हम करेंगे जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी 9वीं सीरीज़ होगी, 9वीं ये वीडियो होगी इस सीरीज़ में। 30 डेज़ का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें करीब मैं 100 से 150 वीडियोज़ लेकर आऊँगी, जिसमें आपके करीब 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज़ आएगी जो BEO के लिए मस्ट होगी, और भी बहुत कुछ आपके लिए है, जिसके लिए सक्सेस मंच चैनल को देखना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो व्यूवर्स नए हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही खास है ये चैनल सक्सेस मंच। तो हमारे पास सिर्फ 24 दिन बच गए हैं, 24 दिनों में हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट UPG के स्पेशल के क्वेश्चंस। लेसन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? अब सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से तीसरा स्थान है, बट अगर रोजगार की दृष्टि से बात की जाए तो ये है दूसरा स्थान कृषि के बाद। सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में मिलता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुल्तानपुर जनपद जो जिला है वो किस नदी के किनारे है? घाघरा, वरुणा, गोमती या गंगा? तो ये नदी है गोमती। गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर स्थित है, और जिसे सुल्तानपुर की अगर मैं बात करूँ तो इसे भगवान श्री राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान या उर्दू संस्थान? तो करेक्ट आंसर है राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधाकर का प्रकाशन कहाँ से होता है? सुधाकर जो कि एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन होता है बनारसी से, और ये बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र कहाँ है? बरेली में, मथुरा में, आगरा में या लखनऊ में? तो जो सुदूर संवेदन है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के बारे में ज्ञान प्रदान करवाता है, तो ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमावर्ती विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है 1998 से 1999 से, क्योंकि और ये जो योजना चलाई जा रही है, ये जो उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, इसके संबंध में विकास के लिए चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 और वैसे 57, सीतेश्वर व लक्ष्मेश्वर जिला के ये जो दो स्थल हैं वो किस जनपद में स्थित हैं? बनारस में, फैजाबाद में, चंदौली में या इलाहाबाद में? तो ये इलाहाबाद में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिक्किम के कंचनजंगा आधार शिविर पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची कौन है? तो ये है सूर्या संगनी चौधरी, जो कि मात्र 6 साल की हैं और कंचनजंगा पर के आधार शिविर पर चढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सिकंदरा किस जिले में स्थित है? सिकंदरा अकबर द्वारा बनाया गया एक नगर है, जिसमें मकबरे और बहुत सारे किले प्रसिद्ध हैं, और इसको प्रारंभ तो अकबर ने करवाया था, बट जहांगीर के काल में आते आते इसका ये पूरा हुआ, तो ये आगरा में स्थित है सिकंदरा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? इटावा में, अलीगढ़ में, मेरठ में या बरेली में? तो ये स्थित है मेरठ जिले में, और ये सबसे पूर्वी स्थल है। सबसे पश्चिमी जो स्थल है वो सुतकांगे तोड़ है, जो कि अफगानिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है। अगर हम उत्तरी स्थल की बात करें तो ये मांदा जम्मू कश्मीर में है, और अगर दक्षिणी स्थल की बात करें तो ये दाइमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये चारों स्थल यहाँ पर हो जाते हैं कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत BPL परिवार को प्रतिमा कितना खाद्य प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 35 kg, और इनको सफ़ेद कार्ड दिया जाता है जो BPL परिवार के सदस्य होते हैं इनके लिए।
नेक्स्ट है सारण सिंचाई नहर निकलती है कौन सी नदी से, सोन नदी से, गंगा नदी से, कोसी नदी से या गंडक नदी से। तो इसका करेक्ट आंसर है सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं, सामाजिक वानिकी का कौन सा वृक्ष भूमि के लिए घातक सिद्ध हुआ है, मतलब भूमि के लिए ये बुरा सिद्ध हुआ है, बुलबुल, यूकेलिप्टस, सहतूत या बबूल। तो करेक्ट आंसर है यूकेलिप्टस, क्योंकि यूकेलिप्टस का जो पौधा है वो भूमि से जितने भी जल होता है उसे सोख लेता है और भूमि को बंजर बना देता है, इसीलिए यूकेलिप्टस को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिक का आतंकवादी या पारिस्थितिक का शूल, धरती का शूल भी कहा जाता है यूकेलिप्टस को, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, सहारनपुर घराने के संस्थापक कौन है, मोहम्मद जमा, बंदे अली खां, बहराम खां, इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद जमा जो हैं वो हैं सहारनपुर घराने के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 65, सहयोगी कृषक योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कितने जिलों में चलाया जा रहा है, तो 10 जिलों में ये चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पर चलते हैं, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से कर बंदी आंदोलन चलाया था, तो नेहरू जी ने जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के साथ मिलकर इलाहाबाद से चलाया था कर बंदी का आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया, और जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन ख़त्म हुआ ये आंदोलन कर बंदी भी ख़त्म हो गया 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलोनी स्वास्थ्य योजना किस आयु वर्ग के लिए है, तो ये है 18 से 19 वर्ष की लड़कियों के लिए, और इसके अंदर पोषण से संबंधित और जो उनकी मासिक धर्म होता है उनसे संबंधित और उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है वो इलाहाबाद ज़िले में पाई जाती है, और सेकंड नंबर पे आता है आजमगढ़ ज़िला। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला ज़िला कौन सा है, तो ये पड़ता है हमारा सोनभद्र ज़िला, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला ज़िला, तो अभी हमने किया सोनभद्र ज़िला, यहाँ सेकंड नंबर पे बात करूँ तो ये बलिया ज़िला पड़ेगा सेकंड नंबर पे, और सबसे कम जो जनजाति पाई जाती है उत्तर प्रदेश में वो पाई जाती है बागपत ज़िले में। तो ये छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको, होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी चीज़ आपको अगर इसमें कहना चाहते हैं आप लोग तो उसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। और जितनी भी PDF के बारे में मैंने करंट अफेयर और ऑल भी टॉपिक्स के बारे में बात की है वो सब आपको मेरे चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं BEO का नेक्स्ट टॉपिक लेके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।